हाय एवरीवन, मैं गीता वर्मा, गीता के न्यू लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर पे बना हुआ शैम्पू जिसमें कोई केमिकल नहीं है। इसको लगाने के बाद गारंटी है आपके बाल लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, काले हो जाएंगे और साथ में सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं घर पे हर्बल शैम्पू और बहुत ही इजी है इसे बनाना। आपको कोई कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, इसे लगाने के बाद बहुत ही अच्छा काम करता है। और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी ग्रॉसरी शॉप से, बनिए की, परचून की दुकान से इजीली ले सकते हैं। ये हर जगह अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ ही मेरे तीन चैनल और हैं, गीता किन्नू रेसिपीज, गीता किन्नू व्लॉग्स और गीता किन्नू ज्वेलरी डिजाइन, जो कि मेरे हस्बैंड का चैनल है। तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके क्लिक करके मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं, देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है इस शैम्पू को। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए एक कप रीठा, एक कप शिकाकाई इस तरह की होती है, और एक कप मैंने सूखा आंवला लिया है, दो बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है। चारों चीज़ अपना अपना रोल निभाती हैं। जो रीठा होता है वो बहुत अच्छे से गंदगी साफ़ करता है, शिकाकाई शाइन देता है बालों को, आंवला बालों को काला करता है, मेथी मजबूती देता है। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए, उसमें मैंने ये रीठा डाल दिया है। कोई इसे कूटने की ज़रूरत नहीं है, ये आंवला है सूखा और सारी चीज़ें मैंने बराबर ली हैं, सिर्फ मेथी दाना को छोड़ के, मेथी दाना मैंने थोड़ा कम लिया है। तो ये दो बड़े चम्मच मैंने मेथी दाना ले लिया था। अब मैं इसमें दो गिलास पानी ऐड कर दूंगी। तो हमें इतना पानी ऐड करना है कि अच्छे से डूब जाए और सारी चीज़ें एकदम फूल जाए, क्योंकि रात को इसे हमें भिगो कर रखना है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डिप कर दूंगी और इसे मैं ढककर रात भर के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये सारी चीज़ें फूल जाएं। सुबह हम क्या करेंगे, इस तरह से भगोना लेंगे, भगोने के अंदर ये सारा मिक्सचर हम डाल देंगे इस तरह से। इसमें मैं एक गिलास पानी और ऐड कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से। और इसे हमें बॉयल करना है काफ़ी अच्छे से, जब तक जो हमने एक गिलास पानी अलग से डाला है वो पूरा सूख ना जाए। तो एक बार जब उबाल आ जाए गैस को धीमा कर दें और धीमी धीमी आंच पे इसे पकने दें, ताकि जितना भी ये आंवला शिकाकाई रीठा है वो अच्छे से फूल जाए, पक जाए और जितना भी उसका असर है वो पानी में आ जाए। तो इसे मैं अभी हाई फ्लेम पे पकने देती हूँ, हाई फ्लेम है। इसके बाद मैं गैस को लो कर दूँगी, इसे थोड़ा सा और पकने दूँगी ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, जो एक गिलास पानी हमने बाद में डाला था वो सूख जाए। तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी कम हो गया है, सूख के काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे अब हम छानेंगे। पहले तो मैं ठंडा होने दूंगी इसे, ये देखिए काफ़ी गर्म है और पानी काफ़ी गाढ़ा हो गया और जो आंवला शिकाकाई है वो भी अच्छे से पक चुका है। तो इसे फ़िलहाल मैं गैस से उतार देती हूँ, ठंडा कर लूँगी क्योंकि इसमें हमें अभी हाथ डालना है अपना। यहाँ पे ये मिक्सचर पूरा ठंडा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, हाथ से ये सारी चीज़ें मस लूँगी। इससे क्या होगा, जितना भी इसका असर है, जितना भी आंवला है, जितना भी इसका पूरा असर है वो सारा पानी में चला जाएगा और ये हमारा खूब अच्छा झागदार शैम्पू तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मसल लेंगे हम हाथ से, बहुत अच्छे से जितना आप मसल सकते हैं, क्योंकि ये सब पक चुकी हैं और बहुत अच्छे से मसल भी जाती हैं। तो इस तरह से आप मसल लीजिए, देखिए काफ़ी झाग इसमें निकलने लगे क्योंकि रीठा ऐड किया है। अगर आपको झाग ज़्यादा अच्छा लगता है शैम्पू में तो आप रीठा की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। मेरे पास इतना ही था, मैंने इसलिए इतना ही डाला है। अगर आपको लगता है कि झाग ज़्यादा आने से बाल ज़्यादा साफ़ होते हैं तो आप रीठा की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। अब क्या करूँगी, मैं इसे कपड़े से छानने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके ऊपर ये मोटी छन्नी रखी है और एक बारीक कपड़ा रख देंगे और अब मैं इसके अंदर ये मिक्सचर डालूँगी। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके छानिए या फिर इकट्ठा, फ़िलहाल मैं आपको इकट्ठा छान के इस तरह से दिखा रही हूँ। तो इसे हमें निचोड़ के जितना भी इसका पानी है वो सारा निकाल लेना है। आप देखेंगे काफ़ी अच्छा झाग वाला पानी इसका निकलेगा, क्योंकि ये हमारा शैम्पू तैयार हो गया है काफ़ी गाढ़ा सा। ये देखिए दिख रहा है आपको कितना झाग भी है इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छा गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू हमारा तैयार होता है। तो अभी ये ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए अच्छे से मैं इसे निचोड़ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप ताकत लगा पाएंगे। तो इस तरह से मैं इसे छान लूँगी, आपको दिखाती हूँ किस तरह का शैम्पू तैयार होता है। तो इस तरह से दबा दबा कर मैं इसमें से शैम्पू निकाल लूँगी। और ये घर का बना हुआ शैम्पू है,
कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आपके जितनी भी बालों की समस्या है वो सारी दूर हो जाएगी इस शैम्पू से। आमतौर पे हम लोग बाज़ार का शैम्पू इस्तेमाल करते हैं और जिससे हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए मैंने आपको दिखाया शैम्पू किस तरह का तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरह का हमारा झागदार शैम्पू तैयार होता जा रहा है। अब ये जो बचा हुआ है इसमें हम फिर से पानी डालेंगे, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी शैम्पू है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे एक गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और इसे हम फिर से मसल लेंगे अच्छे से, और इसमें काफ़ी अभी शैम्पू निकलेगा। देखिए जिस तरह से मैं पानी डाल रही हूँ, एक गिलास पानी मैंने ऐड किया है। तो आपको ये 3 बार करना है, इससे ज़्यादा बार करेंगे तो आपका जो शैम्पू है वो पतला हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर आप गाढ़ा शैम्पू पसंद करते हैं तो कम से कम पानी ऐड करें और इस तरह से मसल कर फिर से छान लें। तो मैं इसे फिर से छान लूँगी, ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके छानूंगी ताकि मैं आराम से इसे छान पाऊँ, और इसलिए मैंने छन्नी भी नीचे लगा दी थी ताकि कोई भी मोटा टुकड़ा हमारे शैम्पू में ना जाए और हमारा जो शैम्पू है एकदम बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा तैयार हो। तो ये देखिए इस तरह से ये गाढ़ा शैम्पू तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना झाग है इसके अंदर, कितना झागदार शैम्पू हमारा तैयार हुआ है। मैंने इसे 3 बार छाना है और बहुत ज़्यादा बार नहीं छानूंगी, क्योंकि फिर शैम्पू बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर लगाने में प्रॉब्लम होगी। अब मैं इसे फेंक दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं निकालूंगी। तो ये हमारा बिल्कुल गाढ़ा शैम्पू तैयार हो गया है, ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का। अगर आप इससे भी गाढ़ा चाहते हैं तो आप 2 ही बार निकालिए, 3 बार निकालने की ज़रूरत नहीं अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा शैम्पू पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का किया, मैंने 3 बार निकाला था। तो ये हमारा शैम्पू तैयार हो गया, ये मीडियम कंसिस्टेंसी का है। अगर ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो कम पानी ऐड करिएगा। तो इस तरह से इसे मैं फ्रिज में स्टोर करके रख लूँगी, 1 महीने तक आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे फ्रिज में स्टोर करके रखिए, बहुत ही अच्छा काम करता है, काफ़ी अच्छा झाग भी देगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, सारी बालों की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, था ना इंटरेस्टिंग? तो फटाफट से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं। और अगर लगता है ये वीडियो और लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल होगी उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर वाला ऑल का ऑप्शन आपको दबाना है ताकि आप मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाए। और लगता है ये वीडियो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम कहीं पे भी कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।